सभी को बहुत ही पसंद आ रहा है एंड गाने भी बहुत ही पसंद आ रहे हैं लोगों को। आप लोगों का कैसा रहा एक्सपीरियंस इस फिल्म के शूट करने का और कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा जी, और 24th को अभी पिक्चर आ जाएगी। आई होप सबको पसंद आएगी, जैसे ट्रेलर सबको पसंद आया है ऐसे ही फिल्म भी सबको पसंद आएगी, क्योंकि फैमिली फिल्म है ये, तो सारी फैमिली एक साथ बैठ के देख सकती है। एकदम सही कहा इन्होंने, और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी फिल्म, उस चीज़ की बहुत खुशी है। हमें ऑलरेडी पसंद आ रही है, जो बच्चे यू नो ट्रेलर्स देख रहे हैं उनको मज़ा आ रहा है, और एग्ज़ाम्स के बाद रिलीज़ होगी तो सही समय एकदम थिएटर जाके अच्छी फिल्म देखने का है ना, कि है कि नहीं? और जो बने आप जो भी आपका किरदार है उसमें, वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? रियल लाइफ में कभी इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा आपको या कभी हुआ है? मतलब मुझे लगता है कि भूत होंगे ऐसे, कभी कभी ऐसा एहसास भी होता है, और मुझे खुद भूत बनने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि कितना इंसान बनोगे यार, है ना, अलग करते करते रहना चाहिए, तो भूत बन के बड़ा अच्छा लगा मुझे। मुझे लगा कि मैं भूतों को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और उनकी आवाज़ में मैं बन रही हूँ, उनकी फीलिंग्स आप तक पहुँचा पा रही हूँ। तो अंशय लाल जो डायरेक्टर है फिल्म के, तो उनके एक दोस्त थे जिनकी शादी एक्चुअल में पेड़ से कराई गई थी, क्योंकि वो उनका दोस्त मांगलिक था, तो वो लोग ना उसका ऐसे मजाक उड़ाया करते थे कि अरे अगर कोई भूत होगा पेड़ पर तो देखो जमड़ जाएगा उन्होंने। तो वहाँ से उसको एक आइडिया आया था जो उसने करनेश को सुनाया था, और उसको वो इंटरेस्टिंग लगा, एंड देन उन्होंने एक स्टोरी उसके अराउंड बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाई। तो सीड आइडिया की उनके दोस्त की लाइफ स्टोरी से आई। नहीं, मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप विश्वास रखते हैं तो होता है, अगर आप विश्वास नहीं करते तो नहीं होता है। मेरा ये मानना है यूजुअली हर चीज़ से, मैं इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में सोचती नहीं हूँ, ना कि मैं एक्चुअली मैंने कभी सोचा भी नहीं है, हालांकि मेरे भाई भी मांगलिक हैं, उनको सोचना पड़ेगा। किससे नहीं, बहुत ही जैसे बोलते हैं एनकरेजिंग रिस्पॉन्स मिला है इंडस्ट्री के सारे दोस्तों से, और मेरे जितने भी को एक्टर्स हैं उन सब से, और ऑब्वियसली मुझे बहुत खुशी होती है ये जान के, और ऑडियंसेस से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है ट्रेलर का, जो जिस चीज़ से यू नो यू फील वेरी हैप्पी, क्योंकि अक्सर अगर आप कुछ अलग चीज़ करते हैं तो आपको डर लगता है कि यार ये लोगों को अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन लोगों को अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। हाय, दिस इज अनुष्का शर्मा विशिंग ऑल यू ब्यूटिफुल लवली स्ट्रॉन्ग वुमेन वेरी हैप्पी 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 वुमेन्स डे। अनुष्का, आप प्रोड्यूसर भी हैं और प्रोटैगनिस्ट भी हैं और साथ ही साथ इसमें रैप भी गाया आपने, सो कितना डिफिकल्ट था आपके लिए ये सब चीज़ों को जगल करना, और कैसा रहा था आपका मतलब प्रोसेस क्या था? देखिए, रैप के बारे में तो बस ये कहूँगी कि मेरे को दिलजीत ने बोल दिया मैंने बहुत अच्छा किया है, तो नाउ आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, यू नो, बिकॉज ही दिलजीत वुड नो, ही इज़ अ सुपर्ब सिंगर, तो बस दैट्स इट, उनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे मिल गया, आई एम फीलिंग ग्रेट नाउ। एक्टर तो हो जाता है, वो तो कर ही लेती हूँ मैं, थोड़ा समय से कर रही हूँ तो कर लेती हूँ। प्रोड्यूसर बन के इस फिल्म में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगा कि मम्मा का फ़ोन आ रहा है, हाय आंटी, अभी वो आंटी वो इंटरव्यू में, अभी तो आपको बाद में फ़ोन करती है, मैं अनुष्का बोल रही हूँ। हाँ आंटी, आपका नाम आंटी कृतिका, बाद में फ़ोन करेगी, अभी वो इंटरव्यू में है। मेरा ले दी आंटी, अनुष्का का, अनुष्का शर्मा का, ठीक है आंटी, ओके आंटी, आंटी ने कहा वापस कर देना बेटा फोन। हाँ, और ये मज़ा आ रहा है क्योंकि ये फिल्म
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इसको बना पा रही हूँ और हम सब ने इस फिल्म में जो पोटेंशियल देखा है वो लोगों को भी दिख रहा है, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है ये सब देख के। इससे पहले आपका जो उल्टा पंजाब में एक कॉप का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, इस बार कुछ अलग किरदार है, तो क्या कुछ फर्क नजर आ रहा है और कितना आपको मतलब क्या कुछ कहना चाहिए अपने किरदार पे? हाँ, काफ़ी फ़र्क है। वो आज के मुद्दे की फिल्म थी और ये एक पुरानी पंजाब की फिल्म है, तो ऑब्वियसली फ़र्क तो है। देखिए कितना इजी और कितना टफ है इनके साथ, मतलब ये स्ट्रिक्ट है या फिर ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है। अनुष्का, आपने अभी रिसेंटली इम्तियाज अली सर के साथ भी काम कर रही हैं, आपकी अगली फिल्म शादुनी के साथ है, सो हाउ डिफिकल्ट एंड हाउ डिफरेंट एक्सपीरियंस इट इज? मैं तो बस फिलौरी की बात करूंगी। फिलौरी अभी तो बात करेंगे उसके बारे में, तो तब क्या बात करेंगे? तो कुछ आप गा के सुनाइए हमें, जो आप रैप रैप कुछ समथिंग। यस, डू यू वांट मी टू रैप? या डन, सॉरी। आ जा फिर से दोहरा जरा, पूरे पिंड के आगे बनता गबरू बना, जा तेरे जैसे देखे बड़े, मैं हूँ लाखों में एक सबसे परे, मैं ही बन जाऊंगी पहचान तेरी, जरा कदर तू करना दा मेरी, तू है शेर तो मैं सवा शेर, ये समझा दू न रहना तू धोखे में यूं, जा दूर फिटे में। So you've directed, you've produced, you've acted, and you have just sung a rap song. So what would your message be to all the talented, self-conscious women who are afraid of trying their luck in the field of their interest? I think if you sincerely feel so very strongly about something, and like whatever I have done in my life has always come from strong instincts, you know, something that from inside of me tells me that I should do something, so I listen and I do it, then I don't get scared. So I think the idea is that you know, you always know what it is that you have to do, what life, you know, where you want to be pushed, you know, where you want your life to push you. So you should listen to yourself and you should back yourself and support yourself. Only when you support yourself can anybody else support you. Anushka, you have been an actor since a long time. You're 2 films old as a producer. Dono mein se kaun sa job aap kaun sa zyada prefer karte hain, zyada enjoy karte hain as an actor as a producer? Dono. I think maine abhi realize kiya hai ki jab mere paas zyada responsibility hoti hai to I perform better, kyunki you know, I get to collaborate on a film from scratch, from the beginning of it, from the inception of it, and ये बहुत ही एक क्रिएटिवली सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होता है, तो मेरे लिए दोनों चीज़ मैं इंजॉय करती हूँ। जब मैं इम्तियाज़ अली के सेट पे जाती हूँ तो मेरे को कोई मतलब ज़्यादा मेरे को अपना काम करना होता है, वापस ले जाना होता है, लेकिन जब खुद की फिल्म होती है तो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, जो वो भी मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ। आई थिंक बोथ इज़ गोइंग गुड फॉर मी। आप ये जो भूत का कैरेक्टर है और इसमें आप कभी हवा में छूट रहे हैं, कभी शैंडलियर को टच करके उसको वियर्ड रिएक्शन दे रहे हैं, हाउ टफ इट इज एंड क्या वो प्रोसेस क्या था? इट वाज ऑल वीएफएक्स और क्या था? या इट्स कंप्लीटली वीएफएक्स, रेड चिलीज हैज डन द वीएफएक्स, सो केतन एंड हैरी हैव डन अ फिनोमिनल जॉब विद इट, क्योंकि ये जो कैरेक्टर बना है एक्चुअली भूत का, ये बहुत अलग चीज़ है, ऐसी एंटिटी, ऐसा कैरेक्टर एक्चुअली कभी बना नहीं है, यू नो, गोल्ड डस्ट से वो फॉर्म होती है, गोल्ड डस्ट से वो डेसिमेट होती है, तो इसका पूरा क्रेडिट वीएफएक्स की टीम को जाता है और अंशय और हैरी की जो विजन थी उसको क्रेडिट जाता है। अनुष्का ने तो रैप करके सुनाई दी, अगर आप भी कुछ लाइन गुनगुना सके तो साथ में मेरा फिर मैं तो अभी किया। नोटी नोटी बिल्लो मैं झूठ बोलिया, कोई ना जी कोई ना, नोटी नोटी बिल्लो कल रात अकेली ना होई सोई ना। मैम, आप कैसे देखते हैं सोशल मीडिया को, जहाँ पे सोशल मीडिया में सोशल मीडिया सोशल मीडिया मैं कैसे लेती हूँ पर्सनली? यस, आई थिंक आपको समझना चाहिए कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं या यू नो ऐसे आपको ट्रोल करते हैं, ये बहुत ही बुजदिलगी, बुजदिलगी करेक्ट,
होती है एंड अगर कोई सच्ची में कोई अच्छा इंसान है और अगर यू नो कोई जो 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 अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं होता ऐसा बकवास करने का. फालतू लोगों के पास टाइम होता है ऐसी बकवास करने का. अनुष्का जी, आखिरी सवाल ये कि क्योंकि प्रोड्यूसर की भी बात हुई, तो हम ऐसा क्योंकि हमें आप पिछले NSTEL भी हमें देखा था एज एन प्रोड्यूसर भी आपको, हम ऐसा माने कि इन फ्यूचर एज एन बिजनेस वूमेन बनने की भी तैयारी कर रही हैं हम ऐसा माने? यू नेवर नो, यू विल नो सून. अभी मैं वेरी सून आई विल टेल यू. हम साथ में कर लेते, ठीक है? हाँ जी. हाय, दिस अनुष्का शर्मा. सत श्री अकाल, दिस इज दिलजीत दोसांझ. हैप्पी होली. चक दो बटो. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.